चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया, और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर, और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज पर देखिए काहार बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया, और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर, और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज पर देखिए काहार बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। मोतिहारी शहरवासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए दल बल के साथ सड़क पर उतरे नगर थाना प्रभारी विजय प्रसाद राय। माइकिंग कर दुकानदारों और इधर उधर गाड़ी खड़ी करने वालों को दी हिदायत। मोतिहारी समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की एक बैठक हुई सम्पन्न। दिल्ली से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी के इनपुट के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी। शिकारपुर पुलिस ने की होटलों की जांच। आसन पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर शिवहर जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी और प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने सेक्टर पदाधिकारियों तथा उसके संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। 3-4 दिनों से अनाज के लिए डीलर का चक्कर काट रहे हैं लाभुक। पॉस मशीन में नेटवर्क फेल होने से डीलर और उपभोक्ताओं की बड़ी परेशानी। शिवहर जिले की पिपराही पुलिस ने की कार्रवाई। फर्जी तरीके से अंगूठे का निशान लेकर पैसा निकालने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। मझौलिया स्थित संस्कृत महाविद्यालय परिसर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर। भव्य और आकर्षक पंडाल बनाने में जुटे कारीगर। बचपन बचाओ आंदोलन, GRP और सशस्त्र सीमा बल के 71वीं वाहिनी ने की कार्रवाई। मोतिहारी रेलवे स्टेशन से एक मानव तस्कर को किया गिरफ्तार। और महंत श्री नरेंद्र गिरी के निधन पर अरेराज मंदिर प्रांगण में किया गया शोक सभा का आयोजन। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया, और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर, और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज पर देखिए काहार बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। लगातार जाम से दो चार हो रहे मोतिहारी शहरवासियों को अब जाम से छुटकारा मिलने की उम्मीद जागी है। पर्व त्योहार का समय आने के साथ ही बाजारों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में लोगों को जाम से दोचार ना होना पड़े, इसके लिए नगर थाना प्रभारी विजय प्रसाद राय आज दल बल के साथ मोतिहारी की सड़कों पर निकले और माइकिंग कर दुकानदारों और इधर उधर गाड़ी खड़ी करने वालों को हिदायत दी। गौरतलब है कि मोतिहारी मेन रोड में दुकानदारों द्वारा अपनी सामानों को दुकान से बाहर तक सजाने और बेतरतीब वाहन चालकों के द्वारा सड़क किनारे वाहन खड़ी कर देने के कारण आए दिन राहगीरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। सुनिए HTV न्यूज से बात करते हुए क्या बोले नगर थाना प्रभारी विजय प्रसाद राय। ये हलुम का पर्व आ रहा है, दशहरा आ रहा है, शहर में खरीदारों की संख्या बढ़ रहा है, तो बहुत सारे रोड पर लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, बोर्ड लगा दिए हैं, ठेला खमचा ज़्यादा रोड पर लगा रहे हैं, मोटरसाइकिल लगा रहे हैं, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को कठिनाई हो रही है, जिसका हम लोग अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और हम लोग मिलजुल कर सारा लोग काम कर रहे हैं कि मेरा शहर का ट्रैफिक व्यवस्था सुस्त दुरुस्त रहे। पूर्वी चंपारण के प्रभारी जिलाधिकारी कमलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अग्रणी बैंक मोतिहारी के तत्वाधान में DLCC एवं DLRC की बैठक में जिला साख योजना उपलब्धि, साख जमा अनुपात यथास्थिति, KCC योजना उपलब्धि, सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्धि, मुद्रा योजना उपलब्धि, PMEGP अद्यतन उपलब्धि, SH जीविका प्रगति कार्य, समग्र गव्य विकास योजना उपलब्धि, KCC मत्स्य पालन उपलब्धि, PM निधि अद्यतन उपलब्धि पर विशेष विस्तृत चर्चा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शिवहर से अगली खबर है, यहाँ गांधीनगर भवन में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सज्जन राजशेखर एवं प्रभारी पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने सेक्टर पदाधिकारियों तथा उससे संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आसन पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए आवश्यक तैयारी एवं किए जाने वाले कार्यों को विस्तार से अवगत कराया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पंचायत निर्वाचन स्थानीय निकाय का निर्वाचन है, इसमें कैंडिडेट भी स्थानीय होते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव से पूर्व एवं निर्वाचन के दिन दावा प्रतिदावा की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में सहजता से निर्वाचन कराना है। निर्वाचन कराने वाले सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए यह चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को सजग रहने के लिए कहा। अंचलाधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों को CRPC की धारा 107 के तहत नामित करते समय सजग रहने की हिदायत दी। विशेषकर अनुमंडल दंडाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी, अपर अनुमंडल दंडाधिकारी विनीत कुमार तथा कार्यपालक दंडाधिकारी लालदेव राम को निर्देश दिया कि CRPC की धारा 107 के तहत नामित व्यक्तियों का सूक्ष्मता से ट्रायल करेंगे एवं गुणवत्तापूर्ण बॉन्ड भरवाएंगे। बैठक में प्रभारी पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने सभी थाना अध्यक्षों को फरारी व्यक्तियों को तत्काल धरपकड़ कर न्यायालय में उपस्थित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने समाज के ऐसे असामाजिक तत्व जिनसे निर्वाचन के दिन गड़बड़ी करने का या हिंसा फैलाने का आशंका है, वैसे व्यक्तियों को CRPC की धारा 107 के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा करने का निर्देश दिया। आज की बैठक में उप विकास आयुक्त विनोद दुहन, अपर समाहर्ता शंभुशरण, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कुमार विवेकानंद सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी तथा सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे। सरकार द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से दी गई POS मशीन उपभोक्ताओं के साथ साथ डीलरों के लिए भी सिरदर्द साबित हो रही है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र सहित सूबे में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को POS मशीन दी गई है, जिससे उपभोक्ताओं के अंगूठे के निशान लेकर राशन दिया जाता है। लेकिन इस मशीन में तकनीकी गड़बड़ी व नेटवर्क फेल होने से डीलर और उपभोक्ता दोनों परेशान हो रहे हैं और 3 से 4 दिनों से POS मशीन में तकनीकी गड़बड़ी व नेटवर्क फेल होने से डीलरों और उपभोक्ताओं के बीच कहासुनी होने की भी खबरें आ रही हैं। लाभुकों का कहना है कि वे अपना सारा काम धंधा छोड़कर राशन के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन नेटवर्क फेल हो जाने से उन लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है तथा राशन का उठाव भी नहीं हो पाता है। जन वितरण दुकानदार रामविनय कुशवाहा और पहवाड़ी शाह ने बताया कि POS मशीन को चालू करने के बाद PDS दुकानदार का फिंगरप्रिंट नहीं आ पाता है, फलस्वरूप मशीन की आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ पाती है। काफी प्रतीक्षा के बाद यदि फिंगरप्रिंट आता भी है तो उपभोक्ताओं का फिंगरप्रिंट पंजीकृत होने में घंटों लग जाते हैं। हालांकि मशीन पर संदेश आता है कि आपका फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है, प्रतीक्षा करें। इसके बाद घंटों प्रतीक्षा करने वाले उपभोक्ताओं एवं दुकानदारों की परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाती है। जन वितरण दुकानदारों ने इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दे दी है। इधर इस बाबत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभय कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। वैश्विक आपदा COVID-19 के कारण लंबे समय से धार्मिक स्थल बंद थे और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक थी, लेकिन सरकार द्वारा पाबंदियां हटाए जाने के बाद मझौलिया स्थित संस्कृत महाविद्यालय परिसर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। इस बार प्रतिमा भी स्थापित होगी और आकर्षक पंडाल भी बनेगा। इसी को लेकर स्थानीय संस्कृत महाविद्यालय परिसर में कारीगरों द्वारा भव्य और आकर्षक पंडाल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही शिल्पकार माता दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश जी, कार्तिकेय सहित राक्षस राज महिषासुर की प्रतिमा बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। पूजा समिति के सचिव अनिल कुमार सिंह, उप सचिव गोलू श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष शांति मोहन नेवटिया सहित आनंद कुमार, विक्की कुमार सिंह, रॉकी कुमार आदि सहयोग राशि के लिए क्षेत्र में जाकर संग्रह कर रहे हैं। सचिव अनिल कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं से माता पूजन में तन मन धन से सहयोग करने की अपील की है। ये पूजा 40 वर्षों से हो रही है और भव्य मूर्ति बनती है और ये आश्रम यहाँ की पूजा में लोगों की आस्था है और सभी लोग बहुत आस्था के साथ, बहुत प्रेम के साथ यहाँ पे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सभी का मनोकामना भी मिला जुला के पूर्ण होता ही है। और मैं क्या बताऊँ, मैं तमाम भाइयों से, यहाँ के मेरे 28 पंचायत का हेड ऑफिस जो है, सभी पंचायतवासियों से मेरा यह कहना है कि वो पूर्ण रूप से सहयोग करें और प्रशासन से भी हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमें प्रशासन से जो भी ग्रीवांसेज होगी
वो मिलेगी। तैयारियाँ विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा का आयोजन मझौलिया में किया जा रहा है। 2020 में कोविड के कारण जो हम लोग पूजा नहीं कर पाए थे, जैसे कि हमारे सचिव महोदय ने बताया कि मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अजय जी, जो 2019 में भी उनकी जो काम थी काफ़ी प्रशंसनीय था, और इस वर्ष भी हम लोग यही उम्मीद करते हैं। प्रगति कार्य प्रगति पर चल रहा है, माता की प्रतिमा बनाई जा रही है और मूविंग मूर्ति भी है। आम आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आम आवाम से यही अपील करूंगा कि सहयोग दें और इस पूजा को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। प्रशासन से भी यही अनुरोध करता हूँ, वो भी हमारा सहयोग करें और कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग पूजा में सभी नियमों का पालन करेंगे। आम जनता के अंगुलियों का निशान लेकर फर्जी तरीके से बैंक से पैसा निकालने वाले गिरोह को शिवहर जिले की पिपराही पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। उक्त जानकारी प्रभारी पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि एक गिरोह बनाकर क्षेत्र के आम जनता से अंगूठे का निशान लेकर उसका इस्तेमाल फर्जी तरीके से बैंक से पैसा निकालने का कार्य कर रहा था। शिकायत मिलने पर इसकी जांच कर विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल, 7 ATM कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 पासबुक, 1 चेकबुक, 1 अपाची मोटरसाइकिल तथा बैंक से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। भोले वाले लोग दिखाई देते हैं तो पैसा निकालने के लिए या जमा करने के लिए उनके पास आते हैं, तो उनको ठग करके वो अंगूठे का थंब प्रिंट ले करके पैसा जहाँ पे भेजना है वहाँ भेजने के बजाय ये लोग अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया करते थे। तो इस तरह का 3 CSP संचालक चिन्हित हुए जिन्हें की गिरफ्तार किया गया। एविडेंस के तौर पे जो लैपटॉप इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था उसको सीज किया गया। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि ये लोग मुख्य रूप से टारगेट करते हैं वैसे भोले वाले लोगों को जिनको जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। तो इन लोग के कहने पे आसानी से वो लोग एक बार थंब इंप्रेशन देने के बजाय 2 बार 3 बार भी लगा देते हैं, जिसका फ़ायदा इन लोग के द्वारा उठाया जाता था और पैसा उनके खाते से अपने किसी परिचित के खाते में या अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया जाता था। इसमें कई लोगों द्वारा इस तरह की कंप्लेन मिली हुई थी, जिसके छानबीन के क्रम में ये गैंग का खुलासा हुआ। एक और चीज़ है जो कि मैसेज में जनरल फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो सिस्टम बने हैं जिसमें कि CSP एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इसके अलावा भी कई जगह दुकान इत्यादि पे भी ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके लोग पैसे की निकासी करते हैं। तो उन सभी जो बैंक के ग्राहक हैं सभी को मैं यह जागरूक करना चाहूँगा इसके माध्यम से कि वो लोग जब भी पैसे की इत्यादि की निकासी कर रहे हैं तो एक बार ही थंब इंप्रेशन लगाएं। कई बार थंब इंप्रेशन लगाने से ही इस तरह के लोगों को मौका मिल जाता है कि एक बार तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए थंब इंप्रेशन लगाए और दूसरी बार वो फिर अवैध कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए थंब इंप्रेशन बेवकूफ बना करके लगवा लिया जाता है। दिल्ली में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी के इनपुट के बाद आतंकी हमले की अंदेशा को लेकर रेलवे ने विशेष अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर बेतिया पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क दिख रही है। पुलिस लगातार सर्च अभियान भी चला रही है। शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने सतर्कता को लेकर चलाए जा रहे सर्च अभियान के तहत बुधवार की रात्रि नगर के हरदिया चौक स्थित कई होटलों की जांच की। जांच के दौरान थाना अध्यक्ष ने होटल में रुके सभी लोगों की ID चेक की एवं एंट्री रजिस्टर की भी जांच की। वहीं कई होटलों में रुकने वाले लोगों की रजिस्टर में एंट्री अथवा आउट नहीं होने पे होटल स्टाफ को डांट फटकार भी लगाई। सुनिए क्या बोले शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार। ये पंचायत चुनाव का भी चल रहा है समय और संदिग्धों की जाँच के लिए टाइम टू टाइम पुलिस जो है अपने इलाके के होटल वगैरह की जाँच करते रहते हैं हम लोग। उसी क्रम में आज जांच चल रही है, कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो पूछताछ करके आवश्यक कार्रवाई। आज सुबह मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर बचपन बचाओ आंदोलन GRP और सशस्त्र सीमा बल 71वीं वाहिनी के सहायक सेनानायक प्रचालन अंसल श्रीवास्तव के नेतृत्व में छापेमारी कर एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान दरपा थाना क्षेत्र के बैकुंठ धाम निवासी निहाल मियां के रूप में की गई है। इस रेस्क्यू में बचपन बचाओ आंदोलन के आरती कुमारी, विजय कुमार, अमित कुमार, राजकुमार, GRP थाना अध्यक्ष शशि कपूर सहित सशस्त्र सीमा बल के जवान मौजूद थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं संत शिरोमणि महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के निधन पर संत समाज अत्यंत ही दुखी एवं मर्माहत है। आज दिनेश गोस्वामी के द्वारा अरेराज स्थित श्री सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां मौके पर उपस्थित जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर सह अरेराज महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर रविशंकर गिरी, जय गोविंद यादव, राधे श्याम यति,
अमित गिरी, दिलीप गिरी के साथ साथ अन्य लोगों ने भी उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा और शोक व्यक्त किया। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सवाल है, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।